नमस्कार, एबी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। भारत में ओमिक्रॉन केस 200 पार, महज 20 दिन में देश के 13 राज्यों तक पहुंचा नया वेरिएंट। दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात में लगा नाइट कर्फ्यू। मुंबई में क्रिसमस एवं नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट। कानपुर देहात में पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की वारदात। 4 साल की मासूम के सामने पति ने पत्नी को उतारा मौत की घाट। कानपुर मेट्रो की चुनावी चाल, विधानसभा चुनाव से पहले सरकार मेट्रो के बहाने पेश करना चाहती है विकास का मॉडल। कानपुर में हुए हाई प्रोफाइल आंचल की मौत के मामले में परिजनों ने लगाया पुलिस पर आरोप, कहा कि नामजद लोगों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले 200 के पार हो गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल है। दोनों राज्यों में ओमिक्रॉन के 54 मामले मिले हैं। इसमें खतरे की बात यह है कि देश में पहले 100 मामले थे। इसमें खतरे की बात यह है कि देश में पहले 100 मामले 15 दिन में मिले, लेकिन 100 से 200 मामले होने में सिर्फ 5 दिन का समय लगा है। आपको बताते चलें कि देश में ओमिक्रॉन के सबसे पहले 2 मामले 2 दिसंबर को कर्नाटक में मिले थे। 14 दिसंबर को मामले बढ़कर 50 हुए। 17 दिसंबर को मामले की संख्या 100 हुई। अगले 100 केस होने में सिर्फ 5 दिन लगे। देश के 13 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी संक्रमण दर बहुत ज्यादा है। देश में ओमिक्रॉन के आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि इसके संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। अमेरिका के टेक्सास में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस व्यक्ति ने वैक्सीन की भी एक डोज नहीं लगवाई थी। मृतक की उम्र 50-60 साल के बीच बताई जा रही है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 11 दिसंबर को समाप्त हुए हफ्ते में नए कोरोना के 73.2% मामले ओमिक्रॉन के हैं। इसमें पहले ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के चलते एक शख्स की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा था कि अगर हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें और भारत की आबादी से उसकी तुलना करें, तो कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आएंगे, जो बेहद ही चिंता का विषय है। कानपुर मेट्रो शुरुआत से ही राजनीति के केंद्र में आ गई थी। अक्टूबर 2016 में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में मेट्रो का शिलान्यास किया था। इसके बाद 15 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी औपचारिक शिलान्यास किया। इसके बाद से ही कानपुर मेट्रो के बड़े आयोजनों पर सपा और भाजपा आमने सामने आ जाती हैं। वहीं चुनाव से पहले यूपी सरकार कानपुर मेट्रो के जरिए विकास का नया मॉडल पेश करना चाहती है। आपको बताते चलें कि 10 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटेक्निक डिपो से मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई थी। इस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसा था। वहीं सपाइयों ने कानपुर में जमकर हंगामा किया था, मुख्यमंत्री का कड़ा विरोध भी किया था। वहीं अखिलेश ने ट्वीट के जरिए भी कड़ा हमला बोला। यूपी सरकार में भगवा रंग का विशेष महत्व है, इसे अब राजनीतिक तौर पर भी देखा जाता है। मुख्यमंत्री योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट को देखते हुए कानपुर मेट्रो को भगवा रंग दिया गया है। इसके अलावा सभी स्टेशन भी भगवा रंग में रंगे गए हैं। वहीं चुनाव से पहले मेट्रो को शुरू करने के लिए ट्रायल रन की डेट को 2 बार घटाकर 10 नवंबर किया गया। देश में सबसे तेज 24 महीने से भी कम समय में कानपुर मेट्रो के 9 किलोमीटर सेक्शन का निर्माण पूरा किया गया है। चुनाव से पहले सरकार ने पूरे यूपी में इसके प्रचार और प्रसार का भी पूरा एजेंडा तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री के लोकार्पण के साथ ही यूपी में इसका गुणगान किया जाएगा। हालांकि आईआईटी कानपुर से मोतीझील मेट्रो स्टेशन के बीच सफल संचालन पर अभी से सवाल खड़े होने लगे हैं। इसके बाद नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, फूलबाग और नयागंज तक अंडरग्राउंड रहेगी। इसके आगे सेंट्रल स्टेशन और झकरकट्टी बस अड्डे पर भी अंडरग्राउंड स्टेशन बनेंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर से मेट्रो रेल फिर से एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ेगी। जनपद कानपुर देहात में उस समय हड़कंप मच गया जब पारिवारिक विवाद के चलते एक सन की पति ने पत्नी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद जहां परिजनों में कोहराम मच गया। जनपद कानपुर देहात में उस समय हड़कंप मच गया जब पारिवारिक विवाद के चलते एक सन की पति ने पत्नी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद हत्यारा पति मौके से भाग निकला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं हत्यारे पति को कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने धर दबोचा। आपको बताते चलें कि पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये मामला ये है कि जो हमारे यहाँ खबर बिटिया ने भेजी कि हमको जो है तो मार कूट रहे हैं, अड़का रहे हैं, तो हम पहुँचे। जिस समय वहाँ पहुँचे तो जो है वो
ये कुल्हाड़ी लिए, वहाँ एक और कर चुका था मेरे सामने, और फिर जब तक वहाँ पहुँचे दोबारा वार फिर कर दिया, तो मेरे सामने इन्होंने वो ख़त्म हो चुकी है और इतना मार कर वो भाग गया। अच्छा, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई? पुलिस वहाँ नहीं थी जब उस समय। नहीं, अभी तक क्या कार्रवाई की? अब जो है हत्यारा पति पकड़ा गया कि नहीं? वो कह रहा है कि जो है तो वहाँ हाजिर हुए, वहाँ शिवली में जो है हाजिर हुआ है 8 बजे। हाजिर हो गया? हाँ। और फिर रात में हम जो है पुलिस द्वारा जो है कुल्हाड़ी जहाँ पड़ी थी तो लेकर जंगल में कुल्हाड़ी पड़ी थी वो जो है उठाकर उन्होंने वो दिखाया है, दिया है। वजह क्या रही, क्यों हत्या की है, कोई वजह सामने आई? वो लड़का से मैंने पूछा था, वो मेरे साथ गया था जो कुल्हाड़ी लेने, तो हमको क्यों लड़ाई झंझट क्यों हुआ, तो वो कह रहा था कि बिटिया जो रहा है वो खेल रही थी, तो कहीं माटी बुद्धा में खेलती होगी और उसकी माँ जो है तो कहीं किसी बहन बेटी से बताती होगी, तो उसने कहा कि जो है तो यहाँ तुम पंचायत लगाए बैठी हो बिटिया, वो बदम खेल रही है, तो इसी में थोड़ा थोड़ा से उनको झगड़ा होने लगा और घरे ले जा कर के उसने मारा फिर, और चूड़ी वहाँ फूटी फूट रही थी, और फिर इसके बाद में होता कि हमने जो है कुड़ाली लेकर उसे मार दी, ये जो है वो बता रहा था। थाना सवली के प्रतापपुर गांव में आज शाम लगभग 6 बजे एक युवक ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से सिर में चोट पहुंचा करके हत्या कर दी है। डेड बॉडी को पुलिस ने मौके से मर्चरी के लिए रवाना कर दिया है। मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली गई है और नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में 9 फरवरी को आंचल खरबंदा का शव उसके ससुराल में फांसी पर लटका मिला था, जिसके बाद ससुराल के सभी लोग फरार हो गए थे। आंचल के पिता ने उसके पति सूर्यांश खरबंदा, सास निशा, फूफा भारत ग्रोवर ननद और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में 9 फरवरी को आंचल खरबंदा का शव उसकी ससुराल में फांसी पर लटका मिला था, जिसके बाद से ससुराल के सभी लोग फरार हो गए थे। आंचल के पिता ने उसके पति सूर्यांश खरबंदा, सास निशा, फूफा भारत ग्रोवर ननंद और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी तहरीर में दहेज हत्या करने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने लखनऊ से सूर्यांश और उसकी मां निशा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं की है। आंचल के पिता ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस हत्या की वारदात को आत्महत्या की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि हमारे पास सारे सबूत मौजूद है। देखे, हमारी बेटी लटकी हुई थी, उसके गले में फंदा। तो आप पहले भी बता, हाँ जी। आज किस लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मेन उद्देश्य? आज सर हम लोग का उद्देश्य ये है कि हम लोग ने जो नाम रिपोर्ट लिखवाई थी, FIR कराई थी, उसमें 8 लोग थे, 8 लोग उसमें नामजद थे, और वो ऐसे नामजद थे, सबके मेरे पास तथ्य है कि हमने उनका नाम, कोई ऐसा नहीं कि हमने सबके नाम ऐसे लिखा दिए, सबके हमारे पास हर साहब तथ्य मौजूद हैं कि लोगों को हमने क्यों इनके नाम लिखा है। लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को, माँ बेटे को गिरफ्तार करके जेल में भेजा हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि ये जाँच निष्पक्ष हो और बारीकी से हो, क्योंकि हम लोग को जो लग रहा है पुलिस इस जाँच को आत्महत्या की तरफ मोड़ के जो उसकी धाराएँ हैं उसको कम करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये जो है जाँच थोड़ी सी हल्की हो जाए। लेकिन हम लोग आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि ये वास्तव में हत्या ना होके, आत्महत्या ना होके हत्या की गई है बच्चे की। उसके कई चीज़ें हैं, एक तो हमारी बेटी का जब हम लोगों ने उसको देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे वो सोई हुई है, क्योंकि जिसके गले में फांसी का फंदा लटकेगा उसका कहीं ना कहीं उसका जो है चेहरा कहीं ना कहीं विकृत हो जाएगा, जीभ बाहर आ जाएगी, आंखें बाहर आ जाएंगी, और सबसे बड़ी बात थी उसका चश्मा जो है वो आँखों पर वैसे का वैसे ही था, ज़मीन से उसके पैर छू रहे थे, और इतनी ऊँची प्लेटफॉर्म पर चढ़ के पहले तो हमको लगता है उसके हाथ ही नहीं पहुंच सकते, लेकिन चलिए पहुंच भी गए, जब बेटी ऊपर से नीचे आएगी भी तो पैर उसके ज़मीन को छू रहे थे। माँ बेटी की, हाँ जी, माँ बेटी की गिरफ्तारी हुई है ना, वो तो मेरा ख्याल है 21 तारीख नहीं 302 का नहीं, इसमें 304B का है और 120B का है, और हमें अफसोस ये है कि जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो लोग नहीं गिरफ्तार करे, और कहीं ना कहीं धनबल जो है और रसूख हावी हो रहा है न्याय पे, और मैं यही मेरी प्रार्थना है सबसे कि ये धनबल और रसूख जो है हावी नहीं होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो लोग बाहर हैं वो हमारी बेटी जो कि दुनिया में नहीं है उसका चरित्र हनन कर रहे हैं, वायरल वीडियो वायरल करके, जो कि उसके हस्बैंड ने 1.5-2 साल बनाए थे पहले,
तो उसके जो उन्होंने पहले से वीडियो और ऑडियो बना रखे थे, वो लोग जो बाहर जो मुजरिम घूम रहे हैं वो वायरल कर रहे हैं। और मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये आग्रह है कि भाई जो ये मुजरिम बाहर घूम रहे हैं, और दूसरा आपको हम बताएं कि हमें हमेशा जो लोग ये हमको एक खतरा और बना हुआ है कि जो लोग ये बाहर घूम रहे हैं ये न्याय प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। और क्या आप ये सोच रहे हैं कि जांच जांच को सर हमें देखिए पुलिस नजीराबाद पुलिस के लिए, वो पहले भी लड़का कहता था उसका पति सूर्यांश कि मैंने पूरा नजीराबाद थाना खरीदा हुआ है और मैं हर साल यहाँ पे रंग रोगन कराता हूँ, मेरा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़, लड़की से कहता रहता था ये चीज़ें कि मैं रंग रोगन कराता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये जाँच जो है क्राइम ब्रांच को। कानपुर के पतारा ब्लॉक स्थित तिलसड़ा गाँव में सास की सीट पर बहू ने कब्जा करते करते हुए गाँव वालों को भरोसा जताया है। आपको बताते चलें कि ग्राम प्रधान की बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद उपचुनाव में बहू ग्राम प्रधान की सीट पर जीत हासिल की है। घाटमपुर के पतारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत तिलसड़ा में महिला ग्राम प्रधान की बीमारी के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद तिलसड़ा गांव में उपचुनाव कराए गए, जिसमें 3282 वोटरों में 2303 मत का लोगों ने प्रयोग किया था। पतारा ब्लॉक में मतगणना के दौरान पांचवें अंतिम राउंड में पूर्व महिला प्रधान की बहू सुलेखा कुशवाहा ने 341 वोटों से जीत दर्ज कराई है। वहीं जीत के दौरान महिला प्रधान के परिजनों व समर्थकों ने उनका फूल माला पहनाकर ढोल ताशे के साथ स्वागत किया। वहीं नव निर्वाचित महिला ग्राम प्रधान सुलेखा कुशवाहा ने कहा कि वह पूरी ईमानदारी के साथ गाँव वालों की अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। आज आप प्रधान बने हैं उपचुनाव में, आपके पहले आपकी सासू माती से रहे, उनके ध्यान के बाद आज आप जीते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? खुशी भी हो रही है। आप प्रधान बने हैं तो गांव के विकास के लिए अच्छा करना चाहिए। उनके विकास के लिए हम जो नालियां हैं सबसे पहले वो फरंदे हैं, और सबसे पहले उनको पानी की जरूरत होती है। अगर हर घर में पानी की व्यवस्था हो जाए, ग्रामीणों में यही सबसे ज़्यादा पानी और लाइट की दिक्कत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यही करेंगे, मेरे पापा ने भी सबसे पहले यही व्यवस्था की थी। मुख्य मुद्दे क्या होंगे विकास के काम को लेकर? मेरा यही जो बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल और ये खरंजे नालियाँ और पानी की टंकी पास मेरी मम्मी करवा गई है, बनवाना मुझे। आप अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगी? फिलहाल हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एबी न्यूज़। नमस्कार।